सहेली तेरा बागपन लूट गया तो आईना तोड़ दे। भाई आईने का क्या कसूर है? हाँ मैं कहता हूँ अल्लाह ताला जी सिचुएशन से बचाए। सिचुएशन यह है कि आप आईने के सामने हैं, आप दोनों को जाना पड़ेगा और उसमें नहीं आपको भी जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है अमर भाई, ठीक है, दोनों जाएंगे, पांच अपनी खूबियां और पांच अपनी खामियां बतानी है। लो सच 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 कसम खिलवाए, पहले कसम खिलवाए, बड़ा मुश्किल काम है वो, तो हम वहां हलफ लेते हैं जब आप जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले ये आई थी, पहले लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडी। आपके इतने पुराने दोस्त थे, इनका हक बनता है पहले जाना। नहीं, इनको तो मैं आधे से ज्यादा इनके गुनाह जानता हूँ। इसलिए मैंने कसम, मैंने कसम इसलिए कही। आप बात ये है कि लेडीज फर्स्ट सर, लेडीज फर्स्ट, लेडीज जाना पड़ेगा। आपकी भरपूर तालियों में जाना पड़ेगा सर। ख्वातीनो हजरात, ये है वो चेहरा जैसे कहते हैं आईना सच बोलता है। आईने के सामने खड़े होकर अगर कोई अपनी गलतियां, अपनी खामियां बताए, अपनी खूबियां बताए, तो जज आपने करना है और जजेज हैं आप। और इसका, इसकी तशरीह करने के लिए जवाब आपकी, मैं यहाँ तशरीह फरमा हूँ। आपकी भरपूर तालियों में आईना की रूबरू जाना वाले। पहले पांच खामियां। खामियां, अरे बाप रे, खामियां तो बहुत सारी है, पांच का मैं कहूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बड़ी बड़ी पांच बता दें। बड़ी बड़ी मोटी मोटी पांच बता दें। अच्छा, वो मोटी मोटी पांच में एक तो ये है कि जल्दबाजी, इंपल्सिव हूँ थोड़ी। जल्दबाजी, हाँ, शादी, शादी भी आपकी ऐसी सर, आपके सामने 17 को शादी पलक झपकते, ये बात सही है, इस पे ताली होनी चाहिए, इन्होंने सही बोला सर। लेकिन सर ये मेरी खामी भी है और खूबी भी है। नहीं, आपने इसे गलत खामी में गिना, हालांकि जब आप खूबियां बताती, जब कहती हैं आप, मार चले हो गया डिस्कस कोई बात। ओहो, अच्छा चले। और दूसरे नंबर पे मुझे लगता है, दूसरे नंबर पे गुस्सा, गुस्सा आ ही जाता है। एक्चुअली बात क्या है शरीफ साहब, कि मैं, मेरी जात कक्के जई है, तो गुस्सा तो आ ही जाता है। सियालकोट बसरूर, अब बस आगे नहीं मैं बोलूंगी कुछ भी। अच्छा, और हाँ, अब भाई ये भी पता नहीं खामी है कि खूबी है, मुझे सफाई का। सॉरी सॉरी, सियालकोट पे एक और तारीफ करूंगा। हाय हाय, क्या गाना नगमा लिखा कौमी, तेरे मुखड़े से काला काला तिल वे, वे मुंडिया सियालकोटिया मेरे काट के ला गया दिल वे। हाय 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 जी, दूसरी सर। सो नंबर थ्री पे मुझे सफाई का बहुत ज्यादा एक खपत है कि हर चीज साफ होनी चाहिए, हर चीज अपने डब्बे में होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, सफाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ये खामी तो नहीं ना, ये तो खूबी है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं वो अब क्या करूं? नहीं, आप ना खामी खूबी को मिक्स कर दिया, आपको पता नहीं चल रहा आपकी खामी कौन सी खूबी कौन सी। हाँ, ये है, ये अब आप बताएंगे ना, आप इसलिए तो हैं यहाँ पे तशरी करने। चलो, नहीं नहीं, अभी हम इसको निकाल देते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा, आप तीन और खामियां बताएं। खामियां, खामी, अच्छा, फकीर के पैसे छीन लिए सर। जो हॉलिडे होती, फकीर, खामी सर, जो हॉलिडे होती ना, उसमें बहुत लेजी हो जाती हूँ। लेजी, जो हॉलिडे हो, छुट्टी का दिन हो ना, उसमें मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ। वेरी गुड, किताब खोल के बस। आप क्या समझती हैं कि ये खामी है? दुनिया के 90% लोग यही करते हैं। छुट्टी वाले दिन ये सब में ये खामी। नंबर चार। अच्छा, और क्या? और ये के हम बोल रहे हैं, आपको हाँ, तो बताइए, मेरा बोलिए सर। अब आप बताइए, आप बताएं आखिरी वाली खामी, अब आप बताइए। नहीं, अभी तो चार पे है, पांच होता है ना आखिरी। पांच, पांचवी आप बताएं ना सर। अरे तो चौथी तो बताओ। मैं बहुत लेजी हूँ ना, बहुत लेजी। हाँ, तो तीन पे था। अच्छा, चार पे भी लेजी है आप। तो फिर
जो बंदा तीन पे ले दिए, चार पे ले दिए, तो वो पांच पे भी ले दिए। अब चले आप आ जाए अच्छाई पे। अच्छाई पे सर, अच्छाई, अच्छाई ये है कि कभी कभी सच बोल लेती हूँ, जहाँ नहीं भी बोलना होता वहां भी बोल लेती हूँ। ये तो ताखीर कहलाती है। कभी कभी सच बोल लेती हूँ। अच्छाई बताए कि मेरे में ये अच्छाई है। मेरे में ये अच्छाई है कि मैं खाना बना लेती हूँ और अच्छा बना लेती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स के हिसाब से मैं अच्छा बना लेती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। औरतों को खाना बनाना जाए तो क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा दूसरी, दूसरी बात ये है कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर एक बहुत अच्छे इंसान को चुना, शुक्र है अल्लाह का, कि उस वक्त अकल काम कर रही थी। आपकी चॉइस अच्छी है। चॉइस बहुत अच्छी है सर, सर ये तो है सर। तो और तीसरी बात ये कि उसी अच्छे खाने को दोबारा बना लेती। वाह, ये सब अच्छी बात है। सर मैं बिल्कुल फजूल खर्च नहीं हूँ। वाह, हाँ, हाँ, तो आप तो है। अरे फिर तो आप कंजूस हुई ना, ये खामी है। खूबी तो ये है, वो खामी है। खूबी तो ये होती है जी, मैं ऊंट पे बैठती हूँ, अशरफियन उठाती हूँ। वाह वाह वाह। जी सर, अच्छा और क्या खूबी, खूबी खूबी पंक्चुअल बहुत हूँ मैं, टाइम ये बात, काम के वक्त में वक्त की पाबंदी करना अच्छे इंसान की निशानी है। अच्छा जी, और नंबर तीन, अब कम होते जा रहे हैं खूबी। हाँ, नंबर तीन बताइए। मेकअप करने का मुझे बहुत शौक है। ये तो हर औरत को बीमारी है। ये बीमारी है ये। हर मेकअप तो किसी को मिल जाए, मिल जाए खुसरे को मिल जाए, वो आधे घंटे में औरत बन जाता। तो औरतें मेकअप करके क्या कमाल कर लेंगी। हाँ जी, तीसरी बताइए। अच्छा तीसरी कब तक तीन ही चल रहा है जब से पांचवी से। अब आप पांचवी, अब आप बताइए, पांचवी अब आप बताइए, आखिरी वाली। एक बार बताइए, मैं औरत की खूबी क्या समझता हूँ सर? जितने रिश्ते रब्बुल इज्जत ने बाइज्जत दुनिया में बनाए हैं उन सब में औरत को रखा है। इसका मतलब है अल्लाह समझता है कि ये रिश्तों को निभाना जानती है। ये मेरे कमेंट है सर। बहुत आप इसमें सुरखुरु हुई सर, थैंक यू सर। और हमारी तरफ से एक 220 इंच का टीवी। वाओ, 220 इंच का टीवी अभी ये बना नहीं है, 220 जब बनेगा, ये साइंसदान बना रहे हैं। अच्छा, उनसे अगर बन गया तो आपके घर पहुंचेगा। वाह 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू।